हाय एवरीवन, तो आज का वीडियो होगा हिंदी में और ये वीडियो है कंटिन्यूएशन में पिछले वीडियो के जो कि था रेड लिपस्टिक्स के ऊपर। तो उस रेड लिपस्टिक्स के वीडियो के ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप सिमिलर वीडियो ब्राउन शेड्स के लिए बनाइए। तो मैंने अपना लिपस्टिक स्टैश टटोला जिसमें ये बहुत ज़्यादा लिपस्टिक है। मैंने मुझे ये भी ध्यान था कि मैंने ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो बनाया जिसे मैंने एवरी डे लिपस्टिक्स वॉच की हुई, वो भी 15। तो मैंने इस बार कोशिश की और ये ताकि ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए कुछ सेंस बने, मैंने इसमें कोई भी वो लिपस्टिक नहीं इंक्लूड की है जो कि मेरे पिछले वीडियो में थी। तो पिछला वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। उसमें पिंक न्यूड्स भी हैं, उसमें थोड़ा सा मॉव टोन शेड भी हैं। इस वाले वीडियो में मैंने कोशिश की है जितने ब्राउन यूज़ कर सकूँ उतना है। तो ये वीडियो है न्यूट्रल ब्राउन्स और ब्राउन कलर्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फटाफट लिपस्टिक स्वॉचेज शुरू करते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इन सब वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और 15 लिपस्टिक्स का स्वॉच शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ नायका सो मैट मिनी, ये है शेड बॉन बॉन। ये है बॉर्न बॉर्न, ये है ट्रू ब्राउन, बहुत कंफर्टेबल है ये। सो मैट लिपस्टिक्स क्रीमी मैट है ये, ना तो बहुत क्रीमी है ना बहुत मैट है, लेकिन ये लगती बहुत अच्छी है, फील बहुत अच्छी होती है। और ये छोटी लिपस्टिक है, ये मेरे 199 की है। शेड भी सो मैट मिनी से, इसका नाम है कैरेमल मार्गरीटा, कैरेमल ब्राउन कलर। तो जो कैरेमल मार्गरीटा कलर है ये पहले वाले कलर से थोड़ा लाइट है। दिस इज मोर सूटेबल फॉर एवरी डे, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। आई थिंक सो मैट मिनी फॉर्मूला वैसे ही बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। थर्ड शेड है फेसेस, फेसेस कैनेडा का वेलवेट मैट लिपस्टिक इन द शेड सेरेनिटी ब्राउन। इस लिपस्टिक का फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, ये कलर बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है नायका मसाबा कलर, इसमें है कूल गाय, ये कलर भी बहुत सुंदर है। और ये लिपस्टिक ज्यादा क्रीमी है, अभी तक जितने भी शेड लगाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्रीमी ये लिपस्टिक है। फॉर्मूला बहुत अच्छा है, फिनिश भी अच्छी है, शेड भी अच्छा है। नेक्स्ट एक और शेड है नायका का, ये भी नायका का शेड है, इसका नाम है बेसिक, बहुत अच्छा कलर है। आई थिंक ये नायका का डेमी मैट लिपस्टिक रेंज थी, तो ये ग्लॉस और लिपस्टिक का क्रॉस है, ये ग्लॉसी है, ये बहुत कंफर्टेबल है, सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है। सिक्स शेड है O3 की मैट लिपस्टिक्स में से मिस्टर ब्राउन, जैसे कि नाम बता रहा है ये शेड है ब्राउन। और ये O3 की मैट लिपस्टिक्स आई है मेरे पास, इनका मुझे रिव्यू करना है, आई डू अ स्वॉच वीडियो वेरी सून। ये जो शेड है इसमें थोड़ा सा पीच टोन है, या आप कह सकते हैं ये थोड़ा वार्म टोन ब्राउन है। अब आती है बारी लिक्विड लिपस्टिक्स की, और सबसे पहले मैं दो लिपस्टिक्स वॉच करूंगी जो कि है शुगर कॉस्मेटिक से। एक है एस्टेला, ये है थोड़ा कूल टोन की, ब्राउन नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों मैंने शेड्स उठा लिए हैं मेटल रेंज में से, जो दोनों न्यूट्रल हैं। सबसे पहले मैं वॉच करूंगी एस्टेला, तो आप देख सकते हैं ये कलर बहुत ग्रे टोन है, ये मेरे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका कलर फेयर है तो ये कलर अच्छा लग सकता है। मेरे ऊपर ये ऐसा लगता है मेरा फेस जैसे मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट शेड है बेलाट्रिक्स जो कि मेरा फेवरेट है, पिंकिश ब्राउन कलर, बट इट हैज मोर ब्राउन देन पिंक, बहुत फ्लैटरिंग है, बहुत सुंदर कलर है, और ये एवरीडे के लिए बहुत अच्छा है, मैट है। और नेक्स्ट शेड है नायका मद्रास कॉपी, कलर बहुत अच्छा है, एवरीडे के लिए बहुत अच्छा है। जो मद्रास कॉपी का फॉर्मूला है ये बहुत थिन है, सो इट हैज अ वेरी थिन फॉर्मूला,
which makes it quite comfortable on the lips. It doesn't feel very drying. सारी लिक्विड नहीं है, एक है पैप प्योर मैट और ये शेड है पोकर फेस. ये मेरा फेवरेट शेड है. पैप की मैट लिपस्टिक्स आई लास्ट मंथ समटाइम, उन्होंने मुझे अपने सारे शेड्स भेजे थे. मैं स्वॉचेज नहीं कर पाई, अगर आपको अभी भी स्वॉचेज देखने हैं तो आप मुझे बताइएगा. दीज आर एज गुड एज योर लिक्विड लिपस्टिक्स. लगाने के बाद दे डू नॉट बच, दे डू नॉट मूव, दे फील वेरी कम्फर्टेबल एंड दिस शेड पोकर फेस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्लैटरिंग. सो दिस इज मॉवी पिंकी ब्राउन, वेरी कम्फर्टेबल, वेरी ब्यूटिफुल. अब बची हैं पाँच लिपस्टिक्स और पाँचों हैं लिक्विड लिपस्टिक. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी लॉरियल की ये लिपस्टिक है. इनका नाम मुझे याद नहीं है, मगर ये शेड है आई एक्सप्लोर. ये लिपस्टिक्स बहुत कम्फर्टेबल हैं, ये ऑलमोस्ट लिप ग्लॉस की तरह लगती हैं. फॉर्मूला इज थिन एंड इट डज ड्राई डाउन मैट, बट इट्स नॉट एज लॉन्ग स्टेइंग एज योर रेगुलर मैट लिक्विड लिपस्टिक्स. नेक्स्ट इज डिसगाइज कॉस्मेटिक्स रिलैक्स्ड मोका. डिसगाइज कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स आर क्रुएल्टी फ्री एंड आई थिंक दे आर पैराबिन फ्री एज वेल. This lipstick is also very very comfortable, बहुत comfortable है lips के ऊपर. और आप देख सकते हैं color बहुत सुंदर है. ये एक warm tone brown है, this is one of my favorite shades. Next I have Auckland from Mellow Cosmetics. नेक्स्ट दो शेड्स है गैलेक्टिक लिक्विड लिपस्टिक्स. ये है प्लेफुल, प्लेफुल है एक ब्राउन, लाइक अ मीडियम टोन ब्राउन, मगर बहुत प्यारा कलर. गैलेक्टिक की लिक्विड लिपस्टिक बहुत कंफर्टेबल है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है और फिनिश बहुत अच्छी है. ये कलर बहुत सुंदर है. नेक्स्ट है गैलेक्टिक मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड डिम्योर, इटली पिंक अंडर टोन. एवरीडे के लिए बहुत अच्छा कलर है. आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को थम्स अप करिएगा. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक वाचिंग सच वीडियो, बिकॉज आई कीप ऑन डूइंग सच वीडियोस वेरी फ्रीक्वेंटली. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने सारे के सारे शेड्स, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.